क्या आप सुपारी का बिजनेस करते हैं? क्या आप सुपारी के किसान हैं? क्या आप मजदूरी करते हैं? या फिर आप सुपारी के डीलर हैं? या आप सुपारी ट्रांसफ़र करने वाले दलाल हैं? अगर आप सुपारी का धंधा करते हैं तो ये धंधा छोड़ दें, क्योंकि अब मोदी जी की GST सुपारी पर भी चलेगी। तो आइए देखते हैं आखिर कैसा होता है सुपारी का कारोबार। 15,000 से ज़्यादा किसान सुपारी अपने खेतों में पिकाते हैं, जिनका फ़ायदा गरीबों का हक मारकर कम दामों में 350 से ज़्यादा डीलर इसे खरीदते हैं और उसको अच्छी तरह से पेश कर दुगने दाम में बेचते हैं। हमेशा से सुपारी का बिजनेस उतार चढ़ाव में रहा है, लेकिन किसानों को और मजदूरों को हमेशा की तरह इसका पैसा कम ही मिला है। शाहबाज खान, जो कर्नाटका के हासन में असेंबली चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने कदम जमाए ही नहीं। उसी दौरान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर उन्होंने आरोप लगाया है, जो सुपारी के इस कारोबार में मदद कर रही है। उनका कहना है कि कर्नाटका के सागर, सिरसी, सिमोगा, हांगल, हावेरी, इन तालुका में सुपारी का करोड़ों का बिजनेस होता है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जो डीलर होते हैं वो अपने चोरी की कमाई से बिल्डिंगें खरीदते हैं। ऐसे लोगों पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अपने खुद के खानदान में ऐसे 9 लोग हैं जो ऐसे कारोबार का हिस्सा है, जिनकी कार्रवाई की रिपोर्ट इनकम टैक्स को दी जा सकती है। शाहबाज खान की इस बात से तो लगता है कि छापेमारी से गवर्नमेंट को करोड़ों का फायदा हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया, अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेंगे तो शाहबाज खान खुद इस बारे में एक्शन लेंगे। शाहबाज की अदाओं से तो ऐसा लगता है कि वे अनिल कपूर की नायक फिल्म फिर दोहराएंगे। शाहबाज खान ने सुपारी को लेकर जो कदम उठाया है, उसे कर्नाटक के लोगों ने जरूर साथ दे और उनका हौसला बढ़ाए। सुपारी की आगे की रिपोर्ट आपको इसी तरह मिलती रहेंगी। देखते रहिए वैशाली कंवर, तहलका 24 न्यूज़, मुंबई।